Dear student, once again, very good morning. We are going to see the next question, final account का 1986, जो हम लोग 7th one questions में कर रहा हूँ यहाँ पर अभी. तो मार्च 1986 का questions. As usual student, every time एक ही चीज repeat करने की जरूरत नहीं है कि you draw the four ledger. Questions read करना है, adjustment को read करना है और आपको related items का marking करना है. अभी इस क्वेश्चन में देखोगे तो आर एंड के इज द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया है. मैंने बताया ना कि डेबिट साइड के ऊपर आपको एरो करके लिखना एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स क्रेडिट साइड इनकम गेन लायबिलिटी. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, देन थर्ड एडजस्टमेंट डाउटफुल डेप्थ है, प्रीपेड टैक्सेस है. R has taken goods 5,000 rupees ka and goods worth rupees 4,000 burned by fire and insurance company. Last जो sixth one adjustment है student, इसको आप important adjustment करना. ये adjustment देखोगे कि frequently repeat नहीं होता है और important इसलिए कि this is the first adjustment जिसका हम 3 effects करने वाले हैं. 12th और 11th standard में यही एक adjustment आपको मिलता है जिसका 3 effects आप करते हैं. तो एज यूजुअल वी स्टार्ट द पोस्टिंग डेबिट साइड. मैंने बताया कि 3 लेजर्स और मैंने आपको बताया कि ऑलवेज ये 3 आइटम्स आप लिख लेना पड़ता है. ये आपका ओपनिंग स्टॉक, ये आपका परचेज ऑलवेज इन इनर, नेक्स्ट सेल्स क्रेडिट. ट्रेडिंग इज फैक्ट्री अकाउंट, डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑफिस अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस, पार्टनर्स कैपिटल एंड योर बैलेंस शीट. डेबिट का आइटम्स किसको जाएगा? डेबिट साइड. अब फर्स्ट वन देखो, वी हैव द ओपनिंग स्टॉक 26,700. ओपनिंग स्टॉक का मतलब स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. देन परचेज का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन प्लांट एंड मशीन. प्लांट एंड मशीन इज द एसेट्स. प्लांट एंड मशीन 21,000 स्टूडेंट वी राइट इन द इनर. वी हैव द एडजस्टमेंट ना. देन फर्नीचर, माय डियर स्टूडेंट, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट्स एंड वी हैव द एडजस्टमेंट. सिर्फ कैरेज का मतलब होता है स्टूडेंट कैरेज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स लाने का खर्चा. अब मटेरियल्स कहां लेकर आते हो? फैक्ट्री. फैक्ट्री का मतलब हो गया ट्रेडिंग. तो ये आपका कैरेज 1,500. वेजेस एंड सैलरी. देख स्टूडेंट, सैलरी एंड वेजेस नहीं है, वेजेस एंड सैलरी. वेजेस किसको देते हो आप? मजदूर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. पहले अगर सैलरी लिखा होता तो मैं कहां लिखता? प्रॉफिट एंड लॉस, नो एडजस्टमेंट, देन डायरेक्टली आउटर. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग करने का काम कौन करता है देखते हो आप? सेल्समैन. इनडायरेक्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 9750, नो एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर. रेंट एंड टैक्सेस, जब तक फैक्ट्री रेंट नहीं लिखता तब तक हमेशा ऑफिस का रेंट समझने का. वी हैव द एडजस्टमेंट सो इनर. बिल रिसीवेबल, मैंने बताया ना स्टूडेंट एवरी वर्ड्स का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, गलती नहीं होगा आपसे. बिल रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा आपको लेना है. बिल का पैसा आपको लेना है, हमारे लिए क्या हो? एसेट्स. बिल रिसीवेबल नो एडजस्टमेंट 8,000. डेटर्स, एवरी क्वेश्चन में मीनिंग बोलता हूं मैं, दोस टू हुम वी सेल ऑन द क्रेडिट 24,000.
वी आर दैट रेशियो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न का मतलब हो गया वापस, इनवर्ड का मतलब हो गया अंदर आना, मतलब कोई चीज रिटर्न होके हमारे पास आ रहा है। और मैंने आपको समझाया कौन सी चीज रिटर्न होके आपके पास आएगी, जिसको आपने सेल्स किया। तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। डेबिट आइटम डेबिट्स पे लिखना चाहिए, मैंने आपको बताया, लेकिन हम सेल्स रिटर्न को सेल से माइनस करने से काम लिया है। मैं वहां पर क्रेडिट साइड में जाकर माइनस कर रहा हूं, मतलब डेबिट साइड में उसको क्या कर रहा से लिख रहा है। देन बैंक, बैंक इज ऑल्सो एसेट्स 13,500। डेबिट साइड में कमीशन है, डेबिट साइड में कमीशन है, इसका मतलब वी आर पेइंग देयर कमीशन। कमीशन 1,500। बैड डेट्स लॉस 600। फर्स्ट टू राइट द इनर। कैश इन हैंड, हमारे पास कैश है नहीं है, एसेट्स 150। आर का ड्रॉइंग, के का ड्रॉइंग, आर और के पार्टनर्स हैं, तो ये पार्टनर्स हम डेबिट साइड में जाएंगे एंड वी राइट द अमाउंट 1,800 and 1,000। स्टूडेंट हियर वी फिनिश द डेबिट साइड का पोस्टिंग, डेबिट का आइटम हम लोगों ने कहां पर लिख दिया, डेबिट साइड। नाउ क्रेडिट का देखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या आता है स्टूडेंट, इनकम गेन लाइबिलिटी। क्रेडिट का आइटम्स क्रेडिट साइड, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, नहीं तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। आर कैपिटल, के कैपिटल, पार्टनर्स है, हम लोग भी पार्टनर्स में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,24। देन सेल्स, सेल्स का मतलब हो गया सेल्स ऑफ गुड्स, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम लोग सेल्स कर रहे हैं, वो आपके लिए हो गया सेल्स। 1,56,750 का रिटर्न है। क्रेडिटर्स का बार बार मतलब समझाया, क्रेडिटर्स जिससे हम मटेरियल्स परचेज करके लाते हैं, जिसको हमको पेमेंट करना रहता है। देन अनपेड वेजेस है, अनपेड वेजेस, अब कितनी बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी करने में मिस्टेक्स कर देता है, वो वेजेस सोचता है ट्रेडिंग में लिखता है डेबिट साइड। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्रेडिट साइड का आइटम ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में दिया, मतलब ये आएगा नहीं कहां पर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। अब इसका ट्रांसलेट करने का, क्रेडिट साइड में इनकम आता है, बिजनेस के लिए वेजेस इनकम तो हो ही नहीं सकता है, और उसके पहले वर्ड्स लिखा है अनपेड वेजेस। इसके लिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको मीनिंग एवरी वर्ड्स का मालूम है तो आपसे गलती नहीं होगा। अनपेड वेजेस, वेजेस का पैसा देना बाकी है, तो ड्यू टू एनी रीजन वी आर लाइबल टू पे, वो हमारे लिए अकाउंट्स में क्या होता है, लाइबिलिटी। तो अनपेड वेजेस का मतलब वेजेस का पैसा देना बाकी है, विच इज लाइबिलिटी फॉर अस, अनपेड वेजेस, एंड दिस वेजेस इज 900। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न का मतलब वापस हो गया, आउटवर्ड का मतलब, आउट का मतलब हमारे पास से जाना, मतलब कोई चीज हमारे पास से वापस होके जा रहा है, तो हमारे पास से कौन सी चीज वापस जाएगी, जिसको हमने परचेज किया था एंड नाउ ड्यू टू एनी रीजन हमको नहीं चाहिए, मतलब परचेज रिटर्न। अभी आप एवरी क्वेश्चन में देखोगे ना कि एडजस्टमेंट भी मोर और लेस आपको सेम ही लिखता हुआ है, सेम एडजस्टमेंट लिखता है।
मोर और लेस आपको ना सेम एडजस्टमेंट आपको क्या हो रहा है मिल रहा है। लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यू एट ₹27,900। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यू ₹27,900। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹27,900। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मैंने एवरी क्वेश्चंस में आपको समझाया ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, बचा हुआ मटेरियल। हमारे पास मटेरियल्स क्या हो गया, बच गया। तो मैंने बताया कि मटेरियल्स जब हम लेकर आते हैं तो वी राइट ऑन द डेबिट साइड। ऑन दैट डेट हमको मालूम नहीं था कि उसमें से 500 उसमें से 27,900 का मटेरियल्स बच जाएगा। तो जब हमने परचेज किया डेबिट साइड में लिखा, अब हमारे पास वो बच गया तो वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 27,900। एंड एवरी टाइम जो देख रहे हैं वेर वी राइट द सेकंड इफेक्ट एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। ये मोर देन वन ईयर के लिए हम लोगों ने एक्सपेंस कर दिया है। या ऐसे भी समझा सकता हूँ कि देखो अगर इस मटेरियल को हम लोग अपने पास सेफली रखेंगे तो मोर देन वन ईयर चलेगा। एंड व्हेनेवर वी सेल तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एसेट्स का। तो सेकंड इफेक्ट इज द बैलेंस शीट का एसेट्स। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर 5%। अब मैंने बार बार आपको बताया ना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो हम लोग एसेट्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन, स्टूडेंट ये प्लांट एंड मशीन, डेप्रिशिएशन 5%। अब ये भी सब मैंने आपको टाइम टू टाइम समझाया कि हाउ यू विल कैलकुलेट, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए बोलो तो 21,000 रुपीज दिखाना स्टूडेंट, 5% मेरे स्टूडेंट, तो 5/100। तो 5/100 आप माइनस कर दोगे, 1050 इज द डेप्रिशिएशन, 19,090। अब 1050 का हमको क्या हो गया, लॉस। वेयर वी राइट द लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, टू डेप्रिशिएशन 1050 एंड फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो स्टूडेंट 5%। विच इज 70,400 इसके ऊपर 5%, विच इज 70। अब 70 माइनस कर दोगे 1330। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, फर्नीचर 70 रुपीज से कम हो गया। अब मेरे पास फर्नीचर 1330 का है बट 70 रुपीज का मुझे लॉस भी हो गया ना, तो वेयर वी राइट द लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का ₹70 इसका 1120। Provide 750 for bad and doubtful debt. देखो doubtful debt, doubtful debt, debt का मतलब हमारा पैसा डूब गया। अब पैसा किसके पास डूबेगा स्टूडेंट, अरे जिसके पास से लेना रहेगा, और लेना किससे रहता है, डेटर से। हम क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किसको करते हैं, डेटर्स को। तो 24,000 रुपीज लेना है। आज जब मैं एडजस्टमेंट करने लगा तो मैंने क्या देखा, अरे यार 750 तो मेरा क्या होने वाला है, डूबने वाला है, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। दिस इज नॉट कंफर्म लॉस, ये सिर्फ बैड डेप्ट नहीं है, डाउटफुल डेप्ट है, जिसको हम लोग आरडीडी बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। बट फाइनली है क्या, पैसा मिलने वाला नहीं है, पैसा डूबने वाला है। न्यू आरडीडी माय डियर कितना, 750। तो 750 में माइनस कर दूंगा 23,250,
एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट 750 यहां से माइनस किया, 750 का मुझे क्या होने वाला है लॉस। पहले से 600 का लॉस हुआ है स्टूडेंट, पहले से 600 का लॉस हुआ है, 750 का फिर से होने वाला है, तो लॉस में लॉस क्या करेगा देखो, लॉस न्यू आर डी बी और यह आपका 750। प्रीपेड रेंट एंड टैक्स, प्रीपेड माय डियर, प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस। रेंट एंड टैक्स का 1950 मैंने पेड कर दिया। अरे सर आपको कैसे ऑन पेड कर दिया? अरे माय डियर स्टूडेंट इसको मैंने ट्रायल बैलेंस में से लिया, ट्रायल बैलेंस से लिया मतलब ऑलरेडी एंट्री हो चुका, मैंने सामने वाले को 1950 दे दिया। अब जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा तो मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा मैंने जो 1950 दिया ना उसमें 150 मैंने ज्यादा दे दिया, प्री पेड, पेड इन एडवांस ज्यादा दे दिया। अगर मैं 84 में बोलूं कि मैंने एडवांस दिया मतलब कभी के लिए दिया रहेगा, डेफिनेटली 85 के लिए दिया रहेगा, मुझे अकाउंट कभी करीब है 84 का, 150 कभी के लिए दे दिया 85 के लिए, इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि 84 में तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है 84 का अमाउंट लिखना है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, माइनस प्रीपेड 150। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट 150 ज्यादा दिया, मेरा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए किसी को पेमेंट कर दिया, मतलब वो मेरे लिए क्या है एसेट्स है। आज का मेरे बिजनेस का स्टेटस क्या है, ये 150 मुझे किसी को देना नहीं है उल्टा लेना है। अगर सपोज नेक्स्ट ईयर मेरे को बिजनेस ही नहीं करना है, मैं इस बंदे के पास जाऊंगा बोलूंगा कि देखो मैंने आपको 150 रेंट ज्यादा दिया है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, चलो मुझे मेरा 150 क्या करो वापस करो, तो मुझे पैसा लेना है देना। आर हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज, आर ने ₹500 का गुड्स लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। स्टूडेंट बाहर करने के बदले ना एक एक वर्ड्स का मीनिंग समझना, लॉन्ग लास्टिंग स्टडी होगा, समझ में आएगा। अब इसका मतलब एडजस्टमेंट हुआ क्या, आर ने ₹500 का गुड्स लिया पर्सनल यूज के लिए, आर ने क्या लिया गुड्स, तो सिंपल सोचने का क्या, गुड्स कहां बनता है फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री मतलब कौन सा अकाउंट रे ट्रेडिंग। आर ने गुड्स लिया, गुड्स कौन से अकाउंट में आता है रियल, गुड्स गोज आउट, बिजनेस में से गुड्स क्या हो रहा है जा, आर ने लिया, मुझे आर के बारे में नहीं सोचना है मुझे बिजनेस के बारे में सोचना है, अकाउंट किसका बना रहा हूं बिजनेस का बना रहा हूं, बिजनेस में से गुड्स क्या हुआ गया, गुड्स रियल गोज आउट क्रेडिट, मैं भी क्रेडिट में लिख देता हूं गुड्स टेकन बाय आर, फाइन एक एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या सोचूंगा गुड्स किसने लिया आर ने, आर कौन है पार्टनर, ये पार्टनर्स में आ गया, आर ने लिया, आर इज रिसीवर, रिसीवर कहां पर डेबिट, अगर पार्टनर कुछ लेकर आता है स्टूडेंट उसको कैपिटल बोलते हैं और बिजनेस में से कुछ लेकर जाता है तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ना, गुड्स वर्थ ₹4,000 वेयर बर्न बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम 3,200। अब इसके पहले भी बताया ना स्टूडेंट कि 12th स्टैंडर्ड में यही एक एडजस्टमेंट है जिसका 3 इफेक्ट है, तो जरा इसको अच्छे से आप समझ लो, इसके पहले भी एडजस्टमेंट आ चुका है, गुड्स वर्थ ₹4,000 बर्न बाय फायर, 4,000 का गुड्स जल गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास हम गए और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला डोंट वरी आई विल पे 3,200, मैं आपको 3,200 कंपनसेशन दूंगा। अब वन सेकेंड से क्यों सोचते हैं, क्या जल गया गुड्स, गुड्स कहां बनता है फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब कौन सा ट्रेडिंग, मुझे एटलीस्ट ये पहला मालूम पड़ा कि ट्रेडिंग में आना चाहिए। अब तुमको कंफ्यूजन हो गया ट्रेडिंग में डेबिट में लिखो कि क्रेडिट साइड में लिखो,
तो आपने सिंपल सोचना है, गुड्स जल गया मतलब उतना गुड्स बिजनेस में से चला गया। वंस अगेंस्ट गुड्स रियल गोज आउट क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा गुड्स बर्न बाय फायर। ओके, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, आई विल पे द 3,200। उसने एडमिट किया कि यस आपको लॉस हुआ है, मैं 3,200 रुपीज दूंगा। दिया नहीं है, अगर वो दे दिया होता ना तो ट्रायल बैलेंस में आ गया होता, कैश बैंक में आ गया होता। वो देने वाला है, मतलब मुझे 3,200 रुपीज किसी से लेना है और मुझे किसी भी रीजन से किसी से पेमेंट लेना है, तो एक तरह से मैं ले गया है एसेट्स इंश्योरेंस क्लेम। अब माय डियर स्टूडेंट, जब गुड्स 4,000 का जला तो इंश्योरेंस कंपनी ने देना भी तो 4,000 चाहिए था। इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा है 3,200 दूंगा, गुड्स फायर हुआ 4,000, इंश्योरेंस कंपनी रेडी टू पे 3,200, मतलब बीच में जो 800 रुपीस है ना वो मुझे हो गया लॉस, लॉस बाय फायर। तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट जिसका फीडबैक, आई होप अंडरस्टूड स्टूडेंट। इसी तरीके से क्लोज करने का मैंने बार बार आपको समझाया, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल जो टोटल बड़ा होगा दैट यू राइट वो 10 है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। 46,950 ट्रेडिंग का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट 46,950। सेम प्रॉफिट एंड लॉस को फिर आप क्या करोगे, क्लोज यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर 30,630 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल आर के। डियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 18,378 12,252। वंस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, पार्टनर्स में क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट 18,378 12,252। पार्टनर्स को इसी तरीके से आप क्लोज करोगे, यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर हमेशा की तरह एवरी क्वेश्चन की तरह आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। ये बैलेंस शीट आने लिया करता हूं स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। तो मैंने बताया ट्रेडिंग को क्लोज करोगे, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट, पार्टनर्स को ट्रांसफर किया, वी गेट द बैलेंसिंग फिगर, वी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल। ये क्लोज करोगे आपका बैलेंस शीट तैयार है। अब आप स्टूडेंट देखो कि मोर और लेस एवरी क्वेश्चन आपको सेम मिल गया। मैं तो और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन करूंगा, लेकिन जब तक आप खुद से इसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे, आपके पास सोल्यूशन है तो अभी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे करो कि आप सोल्यूशन न देखे खुद से आप सोल्व करो। जहां कहीं प्रॉब्लम्स होगा तो आप उस सॉल्यूशन में क्या करना देखना, और कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो प्लीज कॉल अस। थैंक यू वेरी मच।